बार हल्के की जनता के रूबरू होना चाह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो धन्यवाद, आप सबका भी धन्यवाद, और मेरी तरफ से पूरे बादली हलके के प्रत्येक व्यक्ति, इनके आशीर्वाद, इनके प्यार से आज मुझे इतनी बड़ी जीत इन्होंने दी। तो मैं अपने काकाताओं का, अपने भाइयों का, अपनी मातृशक्ति का, मैंने जीवन भर मैं लोगों का एहसानमंद हूँ, और मेरे पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी दोबारा बादली हलके की जनता ने दी है, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं बादली हलके की जनता का जो विश्वास मुझ पर है रोड से लेकर विधानसभा तक मजबूती से उठाऊंगा और मजबूती से इस लड़ाई को लड़ूंगा। जहां तक जो लोगों का आज बादली हलके की जनता ने घमंड तोड़ने का काम किया था, आज भी मैं उनका अभी एक भाषण सुन रहा था ओम प्रकाश जी का, कि जिस प्रकार से सरपंचों को धमका रहे हैं, आम आदमी को धमका रहे हैं, मैं एक चीज़ से आश्वस्त करता हूँ बादली हलके की जनता को, बादली हलके की जनता की रीढ़ की हड्डी मजबूत है, कमज़ोर नहीं है ओम प्रकाश जी, और ना इनका चुना हुआ जनप्रतिनिधि कमज़ोर है। बादली हलके के ना किसी सरपंचों ने डरने की जरूरत है, ना किसी आम व्यक्ति को डरने की जरूरत है, मजबूती से इनका बेटा, इनका भाई, मेरा खून का एक एक कतरा बादली हलके की जनता के लिए समर्पित है। जहाँ तक आप, मैं मानता हूँ आपकी सरकार बनी है, पहले भी आपकी सरकार रही है, आप घमंड के घोड़े पर अहंकार के सवार जो हो, ये लोगों को धमकाने की कोशिश ना करें, अभी हम इतने कमज़ोर भी नहीं हुए हैं कि आप हमारे लोगों को धमकाओ। सर, उम्मीद थी सरकार बनने की, कांग्रेस सरकार बनने की, और सत्ता हाथ में आते आते एक तरह से फिसल गई कांग्रेस के, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं अपनी हार को स्वीकार करता हूँ, कहीं ना कहीं हमारी जो भी कमियाँ रही होंगी, हम उन कमियों को पूरा आकलन कर रहे हैं, और मैं इस बात से बड़ा, आपकी बात से बेबाकी से जवाब देता हूँ, कहीं ना कहीं हम और कॉन्फिडेंस रहे, और कहीं ना कहीं जो बीजेपी का छल कपट, ईवीएम, शाम दाम, दंड भेद की जो राजनीतिक थी, इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी कामयाब हुई है। आज आपको बता रहा हूँ, आप बादली हलके का ले लिए, बादली हलके में कौन सा ऐसा काम ओम प्रकाश जी ने नहीं किया, चाहे शराब है, चाहे मांस मिट्टी है, चाहे पैसा है, चाहे और भी प्रलोभन है, क्या नहीं दिया आपको? पूरे हलके में नहीं, पूरे हरियाणा में इन्होंने हर उस शाम दंड भेद की राजनीति को अपनाया है, चाहे वो ईवीएम से लेके, चाहे वो पैसे की बात थी, चाहे शराब की बात थी, चाहे और बातों की बात थी, तो कहीं ना कहीं दुरुपयोग करके हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को जिताने का काम किया है। कहीं ना कहीं बीजेपी का जो दमनकारी, जो एक अहंकार की नीति, और जो ऊपर के सेंटर की सरकार होने के कारण भी जो हमें हार का सामना, चुनावी नतीजे आने के बाद ईवीएम पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन इधर आपके नेता हैं वीरेंद्र डूमरखा जी, उन्होंने कहा है कि ईवीएम का इतना बड़ा मामला नहीं था, संगठन का ना होना ये कांग्रेस के लिए बड़ा हार का कारण बना। इस बात को बिल्कुल मानता हूँ, संगठन चाहे परिवार का हो, चाहे पार्टी का हो, चाहे किसी भी दल का हो, संगठन बहुत जरूरी होता है, संगठन बगैर कहीं ना कहीं संगठन की कमी हमें खली। देखिए, मैं एक चीज जरूर कह रहा हूँ, ये सरकार बना गए, मुझे नहीं पता ये कैसे बना गए, पर हरियाणा की जनता ने इनको बाहर करने का काम किया है, और ये किसान विरोधी है, ये युवा विरोधी है, आप कह रहे 25,000 नौकरी दी है, पर आप उस पूरा उसको लिस्टेड करना कि हरियाणा के कितने बच्चों को 25,000 नौकरी, जो बात करने वाले 10,000 के करीब जो नौकरी मिली है, तो ये हर चीज़ में झूठ की राजनीति करते हैं, कहीं ना कहीं लोगों को ठगने का काम बीजेपी सरकार ने किया। कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस जीत के प्रति इतनी उत्साहित थी कि बताते कि चुनाव परिणाम आने से पहले हुड्डा साहब ने मंत्रिमंडल तक का विस्तार कर दिया था अपनी कोठी पे लेकर, अपनी कोठी पे, और वहां के बुला करके उनको विभाग तक बांट दिए गए थे, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है, और लोग तो पता नहीं क्या कह देंगे, कहता है जो जीतता है वो सिकंदर होता है, जो हारता है उस पर कमियां निकलती हैं, पर हुड्डा साहब ने दमदारी से इलेक्शन लड़ा है, और ये सब आकलन झूठे आकलन है, हुड्डा साहब ने कोई ऐसी बात नहीं, हमने सब ने इस बात को गंभीरता से लिया था, और इलेक्शन का नतीजा आने से पहले कोई भी आदमी इस प्रकार की बातें नहीं। सीएलपी लीडर को लेकर के इतनी, जबकि हुड्डा साहब के करीब करीब 32 विधायकों ने, 30 विधायकों ने मोहर लगा दी थी हुड्डा साहब के नाम पे, उसके बावजूद भी आज हफ्ता भर हो गया उन बातों को, और हाईकमान देरी करी तो उसको किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, कहीं ना कहीं जो इलेक्शन हमारे चल रहे हैं महाराष्ट्र और झारखंड, उसको लेके व्यवस्था के कारण ये नहीं हुआ, और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, और हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, सारे मिलके हम जल्द ही सीएलपी का फैसला। प्रदूषण को लेकर किसानों पर सत्ता ही नजर आ रही है? देखिए, प्रदूषण प्राली से नहीं है, प्रदूषण जिन चीज़ों से वो सब ने पता है, पर सरकार ने
कहीं ना कहीं किसान को मारने का काम करने का काम ये सरकार करती है।